इस फोटोग्राफ के पीछे क्या स्टोरी है? फोटोग्राफ में एक पेंटर है जो अपनी इमेजिनेशन में खोया हुआ है और 3 बिल्लियाँ उड़ रही हैं। वैसे देखा जाए तो पेंटिंग में सारी ही चीज़ें उड़ती हुई हैं। अब आप सोचोगे क्या ये फोटोशॉप से एडिट की हुई है? नहीं, ये फोटोशॉप से एडिट की हुई फोटोग्राफ नहीं है, क्योंकि ये 1948 में फोटोग्राफ की गई थी। उस टाइम पर हमारे पास फोटोशॉप नहीं था। एक फोटोग्राफर हैं जिनका नाम है फिलिप हाल्समैन। अगर आपने फिलिप हाल्समैन का नाम नहीं सुना तो इनकी फोटोग्राफ्स तो ज़रूर देखी होंगी। देखो, मैं कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ। तो ये थी फिलिप हाल्समैन की कुछ फ़ोटोज़। इनमें से कुछ फ़ोटोज़ तो आपने ज़रूर देखी होंगी। अब क्या कहानी है इन 3 उड़ती बिल्लियों के पीछे, ज़रा देखते हैं। अब साल्वाडोर डाली और फिलिप हाल्समैन काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। डाली एक पेंटर थे जिनको फोटोग्राफी बिल्कुल नहीं आती थी, और फिलिप हाल्समैन एक फोटोग्राफर थे जिनको पेंट ब्रश की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। लेकिन दोनों ही हाईली क्रिएटिव लोग थे, और जब दोनों ने कोलैबोरेट किया तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। साल्वाडोर डाली की आप जितनी भी मोस्टाश वाली फ़ोटोग्राफ्स देखोगे ना, वो सारी ही फिलिप हाल्समैन ने कैप्चर की हैं, और कई सारे आइडियाज़ इन दोनों के कोलैबोरेशन से सामने आए। साल्वाडोर डाली की साइकोलॉजी को समझना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो बड़े कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को सोचा करते थे। अब देखो, फिलिप हाल्समैन की एक प्रैक्टिस थी जिसको वो जंपोलॉजी कहते थे। जंपोलॉजी में सिंपल क्या होता था, वो अपने सब्जेक्ट्स को जंप करने के लिए बोलते थे। यानी कि जिन लोगों की भी, जिन सेलिब्रिटीज़ की भी ये फ़ोटोग्राफ लेते थे, उनसे बोलते थे कि आप जंप करो, तब मैं आपका फ़ोटो लूँगा। जब लोग जंप करते थे ना, तो लोगों की सारी अटेंशन जंपिंग पर आ जाती थी, और जितने भी वो फॉल्स एक्सप्रेशंस बना रहे होते हैं या फॉल्स पोज बना रहे होते हैं, वो सारे ही शेड ऑफ हो जाते हैं। यानी कि इंसान का नेचुरल कैरेक्टर सामने आता है, और उसी को फिलिप हाल्समैन अपने कैमरे में कैद कर लेते थे। तो जंपोलॉजी थीम का ही ये एग्ज़ाम्पल है। अब इस फोटोग्राफ का नाम रखा गया डाली एटॉमिकस। अब ज़रा फोटोग्राफ में ध्यान से देखो तो फोटोग्राफ में राइट में एक पेंटिंग लगी हुई है, जिसके आगे ये 2 कैट्स हैं। ये पेंटिंग डाली ने एक्चुअली में बनाई है, और इसको 1949 यानी कि अगले साल पब्लिश किया, मतलब फोटोग्राफ आने के 1 साल बाद। इस पेंटिंग का नाम है लेडा एटॉमिका। थोड़ा सा लेफ्ट में बढ़ते हैं तो पानी की एक बौछार आ रही है, और उनमें 3 बिल्लियां हवा में उड़ती हुई भीग रही हैं। उसके बाद हवा में लटके हुए हैं साल्वाडोर डाली, जो कहीं अपने इमेजिनेशंस में खोए हुए हैं और कुछ पेंट कर रहे हैं अपने एक कैनवस और ईजल पर। वो ईजल और कैनवस भी हवा में सस्पेंड है, यानी कि झूल रहे हैं। और पेंटिंग के सबसे लेफ्ट में एक चेयर है, वो चेयर भी सस्पेंडेड है। अब देखो, अगर मैं इस फोटोग्राफ को थोड़ा सा डीकोड करूं या डीमिस्टिफाई कर दूं, तो ये फोटोग्राफ बड़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि कई सारे लोग सोचते हैं कि 1948 में इस तरह की फोटोग्राफ कैसे ली गई होगी। अब ज़रा यहाँ नज़र डालते हैं। अब देखो, ये फोटोग्राफर फिलिप हाल्समैन के खुद के नोट्स हैं ये, क्योंकि इन्होंने कई टेक्स में इस फोटोग्राफ को सक्सेसफुली कैप्चर किया था। तो पहला है डाली गेटिंग रेडी। साल्वाडोर डाली अभी रेडी हो ही रहे थे, क्योंकि वो मूड में आ रहे थे इस फोटोग्राफ के लिए। उसके बाद सेकंड फोटोग्राफ देखते हैं, वाटर स्प्लैशेस डाली इंस्टेड ऑफ कैट। तो यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ कैट के ऊपर पानी डालना था, लेकिन एक्चुअली डाली के ऊपर पानी आ गया और बिल्लियाँ सूखी रह गई। एक्चुअली एक ही बिल्ली है इस फोटोग्राफ में। उसके बाद ये देखो, डाली जंप्स टू लेट। डाली बहुत देर में जंप करते हैं, सारी चीज़ें हवा में हैं और डाली अभी भी ग्राउंड पर हैं, तो ये फोटोग्राफ भी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद ये है वाटर कवर्स डालीज फेस। इसमें सब कुछ सही था, बिल्लियाँ हवा में थी, पानी भी था, चेयर भी सस्पेंडेड थी, पर डाली का फेस पानी की बौछार से ढक गया। उसके बाद आती है सेक्रेटरी गेट्स इनटू पिक्चर। तो यहाँ पर कुछ हेल्पर्स हैं, कुछ सेक्रेटरीज़ हैं, तो यहाँ सेक्रेटरी आ जाती हैं पिक्चर में, इसकी वजह से ये वाली पिक्चर भी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद है चेयर कवर्स डालीज़ फेस।
स्पॉइलिंग परफेक्ट पिक्स, यानी कि ये पिक्चर हाल्समैन और डाली के हिसाब से परफेक्ट थी, बस इसमें एक गलती हो गई कि चेयर से डाली का फेस कवर हो गया, तो ये फोटोग्राफ भी फाइनली रिजेक्ट हो गई। तो जो इस फोटोग्राफ का फाइनल वर्जन था उसमें क्या हुआ था, एक असिस्टेंट है जो इस चेयर को होल्ड किए हुए है, यानी कि ये चेयर हवा में ना उड़ते हुए ये किसी ने पकड़ रखी है हवा में, क्योंकि आपको इस चेयर का कुछ पोर्शन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो वो सेक्रेटरी लेफ्ट साइड में है फ्रेम के, ये ईजल जिसके ऊपर पेंटिंग रखी है ये वायर्स के थ्रू सस्पेंडेड है, यानी कि तारों से लटकी हुई है, और जो फुट स्टूल है वो भी थोड़ा सा ऊपर लगाया गया है फ्लोर से। ये जो फ्लाइंग कैट्स हैं और ये जो पानी की बौछार है, इसमें कोई भी ट्रिकरी नहीं की गई, यानी कि ये रियल में उड़ रहे हैं। अब आप सोचोगे कि बिल्लियाँ कैसे उड़ रही हैं, तो यहाँ कुछ असिस्टेंट्स थे जिनमें हाल्समैन की वाइफ भी हैं, उनकी एक डॉटर है, इन लोगों ने मिल के तीनों बिल्लियों को हवा में टॉस किया, उछाला, और एक हेल्पर ने पानी से भरी बाल्टी को इन बिल्लियों के ऊपर उछाला। अब जब कई सारे अटेम्प्ट्स हो गए तो उसमें से बेस्ट पिक्चर चूज़ की गई, और ये पिक्चर हम आज देखते हैं।